नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है और सब्जियों को किस तरह से लगाया जाता है जिससे हमें बहुत अच्छा ही हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो यहाँ हमारी जो क्यारी है उसमें हमने मिट्टी को अच्छे से धूप लगा ली है और धूप लगाने के बाद में इसमें अच्छे से हमने इसमें कंपोस्ट मिला दिया है। कंपोस्ट मिला के इसमें हमने सूखी सब्जियों के छिलके वगैरह थे वो भी हमने मिला के इसको एक डेढ़ महीने का रेस्ट अच्छे से मिट्टी को करा लिया है। और अब हम इसमें आपको भिंडी लगा के दिखाएंगे। जैसे भिंडी के बीज हम लगाएंगे उसी तरह से आप और सब्जियां भी लगा सकते हो। सबसे पहले हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी होती है तो हमारी सब्जियां सभी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मिट्टी ही हमारी जो पौधे का आधार है। मिट्टी अगर बहुत अच्छी होती है तो सभी सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले आप मिट्टी को अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ हमने मिट्टी को बहुत अच्छे से तैयार कर ली है और अब बीज लगाने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। और इसको एक बार फिर से हमने इसी गुड़ाई करके इसको हाथों से अच्छे से फैला दिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए क्योंकि हम भिंडी के बीज में लगा रहे हैं और क्यारी के अंदर लगा रहे हैं। तो मिट्टी भी हमारी तैयार हो चुकी है बीज लगाने के लिए। तो अब इसमें हम भिंडी के बीज लगा रहे हैं। तो बीज आप कहीं से भी ले सकते हो, लोकल सीड स्टोर से ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो और या फिर आप घर में भी बाद में तो आप घर में ही तैयार कर लोगे जब सब्जियां लगने लगेंगी तब। तो यहाँ भिंडी लगाने के लिए सबसे पहले आप या तो कोई लकड़ी वगैरह ले लो उससे भी आप इस तरह से लाइनें बना लें या फिर अपनी उंगली की सहायता से बना लें। तो इस तरह से हम पूरी क्यारी के अंदर ये बराबर दूरी पे इसमें लाइन खींच देंगे। तो अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हो तो 60% मिट्टी लें, 40% कंपोस्ट लें। कंपोस्ट आपके पास जो भी कंपोस्ट है वो आप इसमें मिला दें और मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें। और मेरी मिट्टी तो पहले से ही तैयार है तो मैंने इसमें ज़्यादा कंपोस्ट नहीं मिलाया है और इसमें पूरी में हमने लाइनें खींच दी हैं। अब बराबर की दूरी पर हम इसमें बीज डाल रहे हैं। तो अधिकतर बीजों को डायरेक्ट अगर हम क्यारी में लगाते तो ज़्यादा अच्छा, जब इन्हें हम दूसरी जगह वापस लगाते तो कई बार हमारे प्लांट्स खराब भी हो जाते हैं। तो जहाँ तक वो आप जहाँ भी आपको लगाने हैं ग्रो बैग में या गमले में जहाँ भी आप बीज लगाओ उन्हें हो सके तो उसी प्लांटर के अंदर लगा दो जहाँ आपको लगाना है, तो ज़्यादा अच्छा उनका रिजल्ट रहता है। और गाँव में मैंने देखा खेतों में जब भी भिंडी लगाते हैं तो जिस खेत में लगानी होती है उसमें डायरेक्ट ही लगाते हैं। हमारे वहाँ सीडलिंग ट्रे वगैरह में हम लोग तैयार नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही भिंडियों को लगाते हैं और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रहता है। तो जब भी आप इस तरह के पौधे लगाएं तो उनकी जो सीडलिंग तैयार ना करें और उनको डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार क्या गर्मी में ख़राब भी हो जाते हैं दूसरी जगह हम लगाते हैं तब, तो इस तरह से आप इनको डायरेक्ट क्यारी में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पर मैं अधिकतर क्यारी में ही लगाती हूँ इनको। तो बराबर की दूरी पे हमने ये सभी बीज डाल दिए हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपके भिंडी के प्लांट कितने हैं, तो आप देख सकते हो एक क्यारी के अंदर हम कितने प्लांट लगा रहे हैं। और भिंडी के प्लांट अगर थोड़े ज़्यादा होंगे तभी हमें अच्छी हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। 2-4 पौधे लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़े ज़्यादा ही प्लांट होने चाहिए। अगर छोटी सी फैमिली कम से कम 10-12 प्लांट तो हमारे होने ही चाहिए तभी आपकी सब्जी उसमें बनकर तैयार होगी। तो पूरी क्यारी में हमने बीज डाल दिए हैं बराबर बराबर दूरी पर। अब इसको अच्छे से हाथ से मिट्टी से हम बीजों को दबा दें। तो बीजों को बहुत गहरा हमने नहीं दबाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा आधा इंच नीचे ही हमने मिट्टी में इनको दबा रहे हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अगर सब्जियां लगाते तो बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छी सब्जियां लगती हैं। तो मैं अधिकतर सब्जियां छत पर ही तैयार कर रही हूँ, अधिकतर मेरी क्यारियों में लगी हुई या फिर मैंने जो पुराने मटके वगैरह उनमें ही सब्जियां लगाई, रिजल्ट उनका बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पूरी क्यारी में हमने भिंडी के बीजों को लगा दिया है। अच्छे से आप पानी दें, पानी देते समय ध्यान रखें बीज हमारे बाहर नहीं आने चाहिए। तो थोड़ा आराम से शुरुआत में पानी थोड़ा आराम से ही दें। तो आप स्प्रे बोतल वगैरह की सहायता से भी इसमें पानी दे सकते हो। ये हमारा 55 से 60 दिन बाद का रिजल्ट है और ये भिंडियों के प्लांट्स आप देख रहे हो काफी अच्छे लगे हुए हैं और हम हार्वेस्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। तो काफी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें यहाँ से करने को मिल रही है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अगर सब्जियां लगाते हैं तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें करने को मिलती है। इसी तरह से आप और सब्जियां भी लगा सकते हो और मैंने काफी सारी वीडियो भी शेयर की। अगर मिट्टी बहुत अच्छी हमारी तैयार होती तो हमारा रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आप मिट्टी अच्छी तैयार करें उसके बाद आप बीज लगाएं। और बीज थोड़ा अच्छी ब्रांड का अगर हमारा होता है तो वो भी रिजल्ट हमें अच्छा देता है। तो इस तरह से सब्जियां लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।